तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। तो आगे मैं कौन नई वीडियो में आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं स्कैरी स्ट्रेंजर 3D, जिसमें कि आपको पता होगा कि हम करते हैं कि स्कैरी अंकल के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार एंड फनी प्रैंक्स। तो आज भी हम वही करने वाले हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने कम्प्लीट किया था नॉट सो ट्रॉपिकल पैराडाइज वाला लेवल, तो आज हम उसके आगे वाला मैप है उसको पूरा कम्प्लीट करने वाले, जिसका नाम है फुल और गेट फुल्ड। तो ये आप देख सकते हैं, इसका अपन फर्स्ट प्रैंक अभी करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा। चलो मैंने तो खैर अभी स्टार्ट कर दिया, तुम्हें कुछ बुल टाइप का लग रहा था, तो कुछ बुल के साथ अपने को करना है यहाँ पे। गाइस, तो यहाँ पे आपने जैसा कि एंट्री देखी कि उसने मतलब बुल के ऊपर रस्सी वगैरह फेंकी और यहाँ पे अपनी मतलब स्कैरी टीचर को भी उसने बैठा लिया उसके पीछे ले जाके। तो अपने को उस बुल के साथ कुछ करना है, जैसे कि भाई वो बुल इसको निपटा दे, समझ रहे हो ना, मतलब इसको मार दे। जान से तो वैसे नहीं मारेगा बुल, बट क्या पता मार भी दे। तो चलो जल्दी से चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक रेड कपड़ा ले लिया, क्योंकि आपको पता होगा कि रेड कपड़े की तरफ बुल ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और भाई रेड कपड़े की तरफ वो अपने को मारने के लिए दौड़ता है अपने पीछे। तो यहाँ से मैंने रेड कपड़ा तो यहाँ पे ले लिया है, और अभी मुझे कुछ और भी चीज़ें चाहिए, क्योंकि ये तो नकली बुल है, मुझे असली बुल लेके आना पड़ेगा, क्योंकि नकली बुल तो क्या मार पाएगा इसको, नहीं मार पाएगा इसका स्ट्रेंजर अंकल को। तो मुझे ना यहाँ पे गाइस रियल वाला बुल लाना पड़ेगा जो कि अटैक कर पाए। तो यहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है, जो कि एक ये पंप है और एक मुझे यहाँ पे कटर भी चाहिए, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है अभी अपने। तो इनको लेके चलूँगा मैं, और वो जो फेक बुल है ना गाइस, उसको वहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और उसकी जगह भाई रियल बुल आ जाएगा। और फिर जैसे ये स्कैरी अंकल भाई उसकी सवारी करने जाएगा, फिर तो आप समझ लो कि उसके साथ क्या होने वाला है। फटाफट से मैं चलता हूँ आगे की तरफ। स्कैरी अंकल अपना बढ़िया मज़े से घर के अंदर घूम रहा है, उसको घूमने देते हैं, वो घर के अंदर घूमेगा, हम उसके पास गार्डन में घूम रहे हैं। जल्दी से मैं कट करता हूँ इस पाइप को, जिससे कि हवा भर रही है, इसको लगा देना है मुझे यहाँ। और अब बस मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे जाना है रियल बुल को खोजने, तो जो कि इसके घर के अंदर नहीं है, गार्डन के अंदर, मुझे बाहर से दौड़ के लाना पड़ेगा रियल बुल को। वहाँ की तरफ वो खड़ा है, आप देख सकते हो रियल बुल। तो इसी बुल को लेके चलेंगे और यही बुल मारने वाला है उस स्कैरी अंकल को। अभी गाइस यहाँ से बुल अपना लॉकअप को तोड़ के यहाँ से निकल चुका है, आप देख सकते हो आगे की तरफ भाग रहा है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में। बस अब ये बुल यहाँ पे आएगा और इस जगह पे खड़ा हो जाएगा, बट यहाँ पे स्कैरी अंकल है, मुझे आराम से जाना पड़ेगा। और मुझे इस रेड कारपेट को उस नकली बुल पे रखना है, जैसे कि वो इसको अपना दुश्मन समझ के इससे लड़ ले, बट स्कैरी अंकल यहीं पर खड़े थे। चलो बस मुझे यहाँ पर मेरा काम कम्प्लीट हो चुका है, मुझे भाग जाना है बाहर और फिर देखना इसके साथ क्या होने वाला है। अभी गाइस मैंने नकली बुल पर रेड कारपेट रख दिया और अब ये बुल जाके उस वाले बुल से लड़ लेगा। ओके गाइस, तो ये वाला प्रैंक अपना सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, काफी ज्यादा बढ़िया प्रैंक था। मतलब वो जाके जैसे ही बैठा उस बुल के ऊपर, उसको लगा नकली होगा बट वो असली बुल था। तो अभी करने वाले हम सेकंड वाला प्रैंक, जिसका के नाम है अनस्टॉप बुल प्रैंक अभी हम करने वाले हैं। देखते हैं कि इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा। इसमें भी कुछ बुल के साथ ही करना है हमको, क्योंकि देख के पता चल रहा था कि कुछ बुल वाला प्रैंक है, तो ये वाला भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे बुल रो रहा है। Did you think I was going to give it to you that easy? You stupid bull. Okay guys, तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि ये स्कैरी अंकल एक बुल को इसने लॉकअप में बंद करके रखा पिंजरे में। Time to hit the gym. और उसका रिमोट इसने वहाँ ऊपर की तरफ कमरे में अभी दे रखा जस्ट इसने। तो मुझे ना उसके रिमोट के साथ भी कुछ करना है, और इसके साथ भाई ये बुल को खाना भी नहीं दे रहा था, मतलब बुल को खाना दिखा के ललचा रहा था। तो मुझे गाइस ऐसा कुछ मिलाना है कि जैसे ही ये बुल को खाना खिलाने आए, बुल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए और पावरफुल, और भाई ये लॉकअप सॉकअप को तोड़ताड़ के ये स्कैरी अंकल को ही मारने लगे।
तो ऐसा कुछ मुझे करना है अभी। बाकी चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है हमको। इससे सबसे पहले मुझे हैमर से तोड़ देना है इस वाले लॉक को, फिर मुझे सीधे जाना है यहाँ पे आगे की तरफ, और यहीं इसी वाले कमरे में उसने रखा था अपना रिमोट जो कि यहाँ पे रखा हुआ है आप देख सकते हो। बस इसके सेल वगैरह मैं खोल लेता हूँ और कट कर देता हूँ। चलो अभी मुझे वापस से बंद कर देना, नहीं तो इसके एंगल को पता चल जाएगा कि यहाँ मैंने इसके रिमोट के साथ कुछ गलत किया है। तो यहाँ का मेरा काम तो कंप्लीट हो चुका है, मुझे भाग जाना है यहाँ से। और अब मुझे भूल के खाने में कुछ पाव कुछ चीज़ मिलानी है जिससे कि भूल भाई पागल हो जाए और बिल्कुल इस स्कैरी अंकल की ऐसी की तैसी कर दे। तो स्कैरी अंकल ऊपर ही आ रहा है गाइस, मुझे इधर से जाना पड़ेगा, उधर से स्कैरी अंकल ऊपर आ रहा है, मैंने उसको देख लिया है। और यहाँ पे हैमर रखा हुआ है। चलो अपना काम बन गया, वो ऊपर गया, अपने को नीचे काम करना है अभी। तो स्कैरी अंकल अच्छा होता है गाइस कि दूर रहता है अपने से और चलता फिरता रहता है, इसलिए अपना काम काफ़ी ज़्यादा इजीली कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे इस वाले लॉक को तोड़ना और यहाँ पे कुछ रखा हुआ है। अब इस लिखा यूज आइटम विस्ली, ये कुछ आप देख सकते हो गाइस, कुछ गोली जैसा लग रहा है, मतलब कुछ मेडिसिन जैसी लग रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा, इसको खाते ही बुल में काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाने वाली है। तो इसको मुझे मिला देना है बुल के खाने में जो कि यहाँ पे, और बस अब मुझे भाग जाना है, मेरा काम हो चुका है कम्प्लीट अभी। और अब जो होना है स्कैरी अंकल के साथ होना है, जो करेगा वो बुल करेगा, हमको कुछ भी नहीं करना है, हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब जल्दी से मैं चलता हूँ इस गेट के बाहर और फिर देखते हैं कि भाई इस स्कैरी अंकल के साथ वो बुल क्या करने वाला है। वैसे स्कैरी अंकल ने बुल के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा किया था, और देखते हैं कि बुल क्या करेगा इसके साथ। ऑल राइट गाइस, ये वाला फ्रेंक भी अपना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार तरीके से कंप्लीट हो गया। और आपने देखा यहाँ पे कि वो बुल काफ़ी ज़्यादा घूंसे वगैरह मार रहा था स्कैरी एंगल, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था स्कैरी एंगल से। अभी हम करने वाले नेक्स्ट वाला प्रैंक जिसका के नाम है आई स्पेल अ रैट। तो कुछ रैट का ये प्रैंक होने वाला है, तो ये वाला कंप्लीट करेंगे। बाकी बुल वाला भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार प्रैंक था गाइस, बुल ने पूरा बदला लिया अपना जो जो गलत किया था स्कैरी एंगल ने बुल के साथ। तो चलो सबसे पहले देखते हैं एंट्री अभी क्या दिखा रहा है। Wrong liver! I'll have to do it myself. Yes, yes. I'm gonna turn those good-for-nothing pigs into rats and sick the wild cat on them. Cheers! ऑल राइट गाइस, तो अभी मैंने समझ गया हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो ये स्कैरी अंकल और स्कैरी टीचर मिलकर कुछ तो गाइस लैब में बना रहे हैं, जिसकी मदद से क्या होगा ना कि ये बच्चों को पिला के बच्चों को चूहा बना देंगे और फिर अपनी बिल्ली से भाई उन चूहों को कटवाएंगे, जैसे कि बच्चे भी ख़त्म हो जाए और चूहे बन के, जिसको उनको देखने में भी मज़ा आए। तो ये ऐसा कुछ सिस्टम करने वाला है। बट भाई इसका जो इसने जो भी सोचा है ना गाइस, मैं इसके ऊपर ही रिटर्न कर देने वाला हूँ। ये मतलब चूहा तो बनेंगे पर भाई बच्चे नहीं ये बनेगा। वैसे अभी मेरे पीछे पड़ गया था, मैं जैसे तैसे करके बचाऊँ उससे। बट गाइस चूहा तो बनेंगे मैं आपको बता रहा था, बट बच्चे नहीं बनेंगे ये बनेंगे। बट इन्होंने लैब में कुछ तो भाई तैयार किया है जिसकी मदद से बच्चों को चूहा बना दें। तो चलो जल्दी से मैं मेरे काम में लग जाता हूँ अभी, और इस स्कैरी अंकल को मज़ा चखाएंगे जल्दी से काम करके अपना कम्प्लीट। तो यहाँ से मैंने शुगर तो उठा लिया, मैं आ चुका हूँ ऊपर की तरफ, और यहाँ से मुझे और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे उठानी है। तो जल्दी से चल के मैं उठा लेता हूँ यहाँ से इस वाले रूम के अंदर। वैसे ज़्यादातर काम की चीज़ें ना इसी वाले रूम में मिलती है। देखो मुझे यहाँ से हैंड चाहिए थी और हैंड भी मुझे मिल चुकी है। हर काम की चीज़ आपको जो भी ढूंढनी होगी ना, आप ये वाले रूम में आओगे आपको अक्सर मिल जाएगी। तो चलो इसका काम तक ना हो चुका है। अरे खैर मैं ना जल्दी से चल रहा हूँ चींटियों को लेने, क्योंकि शुगर तो मैंने उठा ली है, और ड्रिंक भी पी लेते हैं गाइस क्योंकि मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो हो गई है। आप समझ सकते हो एनर्जी क्यों लो हो गई है गाइस, क्योंकि इतने सारे हमने प्रैंक्स किए, इतने दौड़े भागे हैं, स्कैरी अंकल हमारे पीछे भी पड़ जाता है कितनी बार। तो इसलिए हम भी बच्चे हैं, इसलिए हमारी एनर्जी लो हो गई, तो हमने जूस वगैरह और ड्रिंक पी के अपनी एनर्जी बढ़ा ली है। अब मैं सबसे पहले यहाँ से चींटी को उठाऊँगा, क्योंकि प्रैंक में हमको चींटियों की ज़रूरत पड़ेगी। चींटी जल्दी से शुगर पे आ जाओ। तो यहाँ पे चींटी आ चुकी है, मैंने चींटियों कर लिया है कलेक्ट, और अभी मुझे इस हैन का ना एग भी चाहिए। तो इस हैन को लगा देता हूँ यहाँ पे।
अभी आप देख सकते हो गाइस हेन अपने जुगाड़ में लग चुकी है और इसका अंडा मैंने यहाँ से चुरा लिया है। मेरे वैसे यार हेन काफ़ी ज़्यादा पागल है, नकली हेन को देख के भी अपने जुगाड़ में लग गई वो। बट चलो कोई बात नहीं, हेन अपना जुगाड़ करे उस नकली हेन से और हम अपना असली जुगाड़ करेंगे जो कि हमको करना है इस स्कैरी अंकल के साथ प्रैंक। चलो सबसे पहले मैं इस गेट को मैंने तोड़ दिया है, अब मुझे इसके बेसमेंट में चलना है जो कि आपको पता होगा किस वाले रूम से एक रास्ता जाता है जो कि इस वाले स्कैरी अंकल के लैब में जाता है जो कि लैब इसका बेसमेंट के अंदर है। तो अभी आ चुका हूँ इसके बेसमेंट में, ठीक है मुझे इस पोर्शन में मिला देना है इस सब चीज़ों को। फाइंड स्ट्रेटेजर स्ट्रेंजर मैजिक बुक, ओके कोई मैजिक बुक भी मुझे फाइंड करनी है, यहाँ पे नीचे लिखा रहा है तो कहाँ है इसकी मैजिक बुक। खैर मुझे दिख तो नहीं रही है अभी, इसी वाले रूम में है लैब के अंदर या लैब से बाहर है वो मुझे अभी देखना पड़ेगा। ओके यहाँ पे बुक है, ओके ओके ओके, यहाँ पे बता रहा है कि आप चींटी कैसे बना सकते हो इसके लिए, नहीं चींटी का गाइस चूहा कैसे बना सकते हो, इसको बस घोल कर देना है मुझे। अरे एक बार मुझे घोल करना था जो कि हो चुका है और मुझे यहाँ से भाग जाना। और अब देखो गाइस मतलब बच्चों को चूहा बनाना चाह रहा था ये स्कैरी अंकल बट अब यही चूहा बन जाने वाला है। तो जल्दी से मैं निकल जाता हूँ यहाँ से बाहर और फिर देखो किस स्कैरी अंकल के साथ क्या प्रैंक होने वाला है। मेरे पीछे पड़ जाएगी, कोई बात नहीं मैं तो भाग जाऊँगा स्कैरी अंकल बट तू नहीं भाग पाएगा उस बिल्ली से बच के, तो उससे बच के तो मैं यहाँ पे भाग चुका हूँ। तो अभी देखो गाइस इसकी क्या होने वाला है स्कैरी अंकल के साथ। ऑलराइट गाइस तो यहाँ पे ये वाला प्रैंक भी अपना हो चुका है कंप्लीट काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से। तो चलो अभी करेंगे नेक्स्ट वाला प्रैंक। आपने देखा कि कैसे वो चूहा बन गया था और बिल्ली उसके पीछे पड़ गई और इसके साथ साथ स्कैरी टीचर भी चूहा बन गई थी। तो अभी मुझे करना है प्रैंक जिसका के नाम है चेंज माय माइंड, तो इसका माइंड चेंज करना है। वैसे इसका माइंड चेंज करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है बट देखते हैं कैसे कर पाएंगे हम, क्योंकि हमेशा तो गुस्से में रहता है, इसको खुश करना है क्या या फिर ये खुश है हमको इसके इसको गाइस गुस्सा दिलाना है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। I've got something special planned. Let's show everyone what we've got. यहाँ पर गाइस ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका है, इसने अपने नौकरों को नचाया है वहाँ पर, फिर भाई काफ़ी ज़्यादा ये खुश हो चुका है, देख रहे थे ठहाके लगा लगा के हंस रहा था। तो अभी मुझे करना है इसके साथ प्रैंक जैसे कि ये हंसते हंसते रोने लग जाए, काफ़ी गंदा वाला प्रैंक करेंगे अभी इसके साथ। तो जल्दी से मैं चलता हूँ गाइस, मुझे कुछ सामान यहाँ पे चाहिए, जैसे कि हो सकता है यहाँ पे वाटर रखा और यहाँ पे वाटर मुझे मिल चुका है तो मुझे चाहिए इसी वाले वाटर को ले लेना है। और इस वाटर के साथ साथ मुझे गाइस और भी कुछ सामान चाहिए। तो अभी तो स्कैरी स्ट्रेंजर अंकल नीचे ही उतर रहा है तो यहाँ पे मेरे लिए खतरा है, थोड़ा मैं छुप जाता हूँ यहाँ पे, इसके पीछे से मुझे भागना पड़ेगा गाइस क्योंकि अभी ये यहीं पे घूम रहा है नीचे वाले फ्लोर पे, ये ऊपर नहीं है वरना मैं काफ़ी इजली काम पर, वो देखो आगे जा रहा है, मुझे पता था कि ये यहीं पर है तो इसलिए मैं एक बार थोड़ा सा घूम के कम्प्लीट करूँगा इस वाले प्रैंक को। यहाँ पे मुझे गाइस हैमर मिल चुका है अभी, तो हैमर की मदद से काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा इस काम को कंप्लीट करने में। तो मेरे पीछे पड़ गया स्कैरी अंकल, स्कैरी अंकल तू छोड़ दे मेरा पीछा, स्कैरी अंकल गाइस मेरे पीछे पड़ चुका है, मुझे इससे फिर से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। स्कैरी अंकल छोड़ दे मेरा पीछा, कब तक भागेगा मेरे पीछे, कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं कर दूंगा तेरे साथ प्रैंक। गाइस काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्कैरी अंकल ने दौड़ाया काफ़ी ज़्यादा, बट अभी मैं मेरे काम को कर लेने वाला हूँ कंप्लीट। स्कैरी अंकल फिर से ना मेरे पीछे पड़ गया, देख सकते हो इस वाले रूम के अंदर है, ये विंडो से दिख रहा था वो, ठीक है ये अभी बैठ गया, कुछ बुक वगैरह पढ़ रहा है। यहाँ से मुझे चाहिए हेयर ड्रायर जो कि अभी मैंने उठा लिया और अब मुझे चलना है अपने प्रैंक को करने। अभी रूम में बैठा था और इतनी जल्दी बाहर चला गया, देखो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है वैसे ये स्कैरी अंकल। अब मुझे यहाँ पर ढोल देना है पानी क्योंकि, और यहाँ पे हेयर ड्रायर लगा देना है क्योंकि इसी की मदद से इसका जो साउंड है ना गाइस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकलता है इस पियानो से, जिसको कि मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को कर देना है चेंज। और अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, मुझे यहाँ से भाग जाना है बाहर जैसे कि ये स्कैरी अंकल देख ना पाए मुझे और भाई मुझे पकड़ के मारे ना। तो जल्दी से मैं यहाँ से निकल चलता हूँ बाहर और फिर देखो इस स्कैरी अंकल के साथ क्या होने वाला है। I have planned a special performance for you kids. Hang around
And don't forget to clap. ऑल राइट गाइस, तो ये वाला प्रैंक भी अपना हो चुका है कंप्लीट। आपने देखा स्कैरी अंकल भी नाच रहा था यहाँ पे, और स्कैरी अंकल के साथ जो जो थे भाई वो भी नाच रहे थे काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से। मतलब ये बच्चों को नचाना चाहता था बट ये खुद ही नाच गया। अभी हमें करना है लास्ट वाला प्रैंक जिसका नाम है रन इट्स कॉस कॉर से ऐसे कुछ नाम है इसका, जो भी है आप देख सकते हो। और यही वाले प्रैंक को हमको करना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है क्योंकि इसके पीछे गोरिल्ला भागता दिख रहा है उस पिक्चर में, अलग कुछ गोरिल्ला के साथ। तो जैसा कि गाइस यहाँ पे आपने देखा कि ये कुछ बना रहा था खाने के लिए, और जिसकी मदद से मुझे लग रहा है कि ये पावरफुल बनेगा, बट हमको इसमें कुछ ऐसा मिला देना है जिसकी मदद से भाई ये खाते से काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाए। और फिर आपने देखा कि गोरिल्ला तो इसके साथ कुछ चोट करने ही वाला है। Good looks a good cook. ओके, यहाँ पे ये कोई लेटर रख रहा है, तो उस लेटर के साथ शायद मुझे कुछ करना है, तो जल्दी से चलता हूँ, उससे लेटर को भी लेंगे। बट उससे पहले मुझे कुछ सामान चाहिए जो कि मैं यहाँ से कलेक्ट कर लेने वाला हूँ। इसकी एलर्जीज के लिए मुझे भाई इसको खाने में कुछ ऐसी चीज़ मिला के देना है जिससे कि भाई इसको एलर्जी हो जाए, जिस चीज़ से इसको एलर्जी है। और मुझे पता कैसे करना है कि इसको किस चीज़ से एलर्जी है, तो उसने ऊपर की तरफ एक कार्ड रखा हुआ है, तो उसको मुझे पढ़ के पता लगाना है कि इसको किस चीज़ से एलर्जी है। तो यहाँ पर गाइस मुझे कुछ और भी सामान चाहिए, एक तो मैंने उठा लिया, ये देखो मैंने इसका वॉशिंग पाउडर भी उठा लिया यहाँ से। अभी मुझे ढूंढना है कि गाइस इसको एलर्जी किस किस चीज़ें से है। तो गाइस जहाँ पे मुझे ढूंढना है ये अभी उसी कमरे के अंदर है। अब मैं कैसे ढूंढ पाऊँगा ये वहाँ से निकले तब, तो वैसे तो ये टहलता है इधर उधर, बट पता नहीं क्यों इस वाले प्रैंक में ये टहल नहीं रहा, उसी जगह पर खड़ा है। शायद कोई गेम का ग्लिच हो सकता है, ये इसी वाले रूम में। ये देखो गाइस मेरे पीछे पड़ गया, यहाँ पे मेरे गाइस ये पीछे पड़ चुका है। अभी बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ गाइस। अगर मैं प्रैंक करूँ तो करूँ कैसे, ये मेरे पीछे पड़ चुका है। अभी थोड़ा सा मुझे जाकर छुपना पड़ेगा, मतलब उस रूम से निकल ही नहीं रहा है, तो मैं करूँगा कैसे प्रैंक ये बताओ। देखो मैं वेट कर रहा हूँ कि अब शायद कहीं और चला जाए, अगर ये वहाँ से निकलेगा नहीं तो मैं प्रैंक नहीं कर पाऊंगा गाइस। ये तो मतलब कोई गेम का ग्लिच मुझे लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वो वहाँ से हटेगा ही नहीं तो भाई प्रैंक तो हो ही नहीं सकता है कंप्लीट। चलो अभी खैर वो ऊपर खड़ा है, बट हो सकता है कि वो वहाँ से हट जाए, तो मैं सीढ़ी से चढ़ूंगा ऊपर वापस। बट जाके देखो आप गाइस यहाँ पे वो मैप में फिर से वहीं पर जाके खड़ा हो चुका है ये, और ये काफ़ी गलत बात है गेम की। मैं काफ़ी ज़्यादा देर से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ बट ये वहाँ से हट नहीं रहा है, उसी वाले कमरे में खड़ा हुआ है। मैं इसको डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करता हूँ, मतलब इसके ये मेरे पीछे पड़ता है, बट ये फिर से वहीं चले जाता है। देखो इसी वाले रूम के अंदर ही है, देखो वो खड़ा है। अब मैं क्या करूँ बताओ, मुझे उसी रूम के अंदर जाना है देखने के लिए कि इसकी एलर्जी किस किस चीज़ें से है इसको, तो उसकी डिटेल उसी के अंदर मिलेगी अपने को उस वाले लेटर के अंदर। बट मैं कैसे जाऊँ उसके अंदर ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये उसी के अंदर खड़ा है, उसी कमरे के अंदर। ये शायद गेम का कुछ ग्लिच है, बट हम ट्राई करेंगे शायद तो हट जाए इस रूम से। मेरे पीछे पड़ चुका है अभी, अब मुझे भागना है। अभी मैं सोच रहा हूँ ना भागते भागते इसको अलग जगह पर लेके जाता हूँ, बट ये गाइस मैं करूँ तो करूँ क्या, ये इसी जगह पर आ जाता है। देखो मैं जल्दी से, अरे ये मेरे को मार देगा लग रहा है, इस बार मेरी हेल्थ भी खत्म होने वाली है। हो गया गाइस मेरा तो यहाँ पे काम, शिट यार वो आ गया वहाँ से, अब तो गया मैं। You think you can mess with me, boy? ये प्रैंक गाइस अपना फेल हो चुका है, चार प्रैंक हमने सही करने के बाद फर्स्ट टाइम फेल हुए। बट ये कोई गेम का ग्लिच है गाइस, मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि आपने देखा कि वो उस रूम से ही बाहर नहीं निकल रहा है, तो मैं प्रैंक करूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि अगर मेरे को प्रैंक कंप्लीट करना है तो मुझे उस रूम में जाना पड़ेगा। अभी एंट्री कर देते इसकी, क्योंकि मेरा दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है अभी, और फिर से मैं ड्रिंक वगैरह पी लेता हूँ, मेरी ड्रिंक भी वेस्ट हो रही है। मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यार ये उसी रूम के अंदर बैठ जाता है। देखो अभी फिर से ये उसी रूम के अंदर खड़ा हो चुका है। अब मतलब मैं प्रैंक को कैसे कंप्लीट करूं, अगर ये इस रूम से बाहर ही नहीं निकलेगा, कुछ भी कर लूं मैं गाइस, कितना भी यहाँ पे शोर वगैरह मचा लूं, ये इस रूम से बाहर नहीं निकल रहा है, तो मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूं। बट अगर इस बार कंप्लीट नहीं हुआ तो गाइस इस गेम को यहीं पे कर देंगे एंड, मतलब इस वाली सीरीज को यहीं पे कर देंगे एंड। बाकी नेक्स्ट वाले प्रैंक देखेंगे, अगर और कोई प्रैंक बचा हुआ तो उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट इस वाले को प्रैंक को मैं दोबारा नहीं करूँगा अगर इस बार नहीं हुआ तो, क्योंकि मैं गाइस काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ ना।
मतलब दो बार मैंने ट्राई किया कि मैं जैसे तैसे करके कर लूँ, बट वो उस रूम से हटी नहीं रहा। देख सकते हो मैप में, अभी भी वो उसी जगह पे खड़ा है। अब अगर ये वहाँ से हटेगा नहीं तो मेरा प्रैंक कंप्लीट कैसे होगा? और हट भी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। देखो एक ही जगह स्टैचू बन के खड़ा है, वो देखो आप अभी। देखो मैं जाऊँगा उसी वाले रूम में ये खड़ा है, जिस वाले रूम में मुझे प्रैंक कंप्लीट करने के लिए जिस वाले रूम में मुझे जाना ज़रूरी है। अब मैं अंदर घुसूंगा कैसे जब ये बाहर नहीं निकलेगा इस रूम से? देखो वो देखो इसी में खड़ा, मेरे पीछे पड़ गया। तो मैं परेशान हो चुका हूँ गाइस। अब मैं क्या करता हूँ ना, एक बार उसी रूम में डायरेक्ट घुस जाता हूँ खोल के उस पर एकदम से। मेरे पीछे तो कह रही है पड़ा हुआ है, शायद बच जाऊँ मैं। ठीक है मैं इस रूम में आ गया। I'm warning you, don't ever come back to my house. और देखो गाइस, मतलब ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये इसी रूम में आएगा। तो गाइस आज की वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड। आपने देखा ये वाला प्रैंक भी मैं कंप्लीट जरूर से करता, गोरिल्ला वाला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था प्रैंक देखने में। बट गाइस मेरी कोई गलती नहीं है, मैं करने की मैंने पूरी ट्राई किया, वो उस रूम से बाहर ही नहीं निकल रहा था। तो गाइस ये प्रैंक यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया। खैर अगर आपको वीडियो में आया तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल पर नहीं तो फिर कर लो सब्सक्राइबर, साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो फिर देखते हैं अगर कोई न्यू अपडेट आया तो न्यू वाली वीडियो में आपको न्यू वाले प्रैंक देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।